सामने क्यों बोल रहे हो? मुस्लिम वेडिंग का खाना इतना अच्छा होता है। मैं ना इंटर ब्राइड हूँ। मैं वेरी पार्टनर साइड का। गाइस, द निकाह इज जस्ट अबाउट टू हैपन एंड दिस इज हाउ विधि इज लुकिंग। ये विकसित प्राणी अगर आज अपने जीवन में हारा हुआ है, इसका एक बहुत बड़ा कारण आलस है। Several sweet dreams later. Okay guys, tomorrow मैंने पहले अभी फुटेज दिखाई थी. This is the actual look. This is how I actually look. और मैंने जिंदगी में पहली बार काजल लगाई, क्योंकि मम्मी हमेशा बोलती थी काजल लगा के मैं काली हो जाती हूँ. Apparently आप काले हो. Do you see me fucking laughing, my nigga? कैसा लग रहा है आपको शादी में जाना बिना नहाए? यार सबके सामने क्यों बोल रहे हो? ये बातें बताई नहीं जाती। 24 आवर्स में एक से दो बार नहाना चाहिए। मैं कल शाम को 4:30 नहाई हूँ, अभी मुझे 24 आवर्स भी नहीं हुए नहाए हुए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। कोई इतना अच्छा दिख भी सकता है ऐसा? नहीं देखो कैसी गलत फहमी है। I'm so excited to go to my first proper Muslim wedding and let's see how it goes. भीगी भीगी अरमानों की राहत है, है गीली गीली ख्वाहिश भी तो बेहद है। मर जावा मर जावा। And now the wedding. Behind this tree is a man. I am Groot. बहुत बहुत मुबारक हो आपको मेरे भाई। How do you feel, Amir? You're almost married. Relieved. Are you sure that Tabir will also sign? What if she says no? Fingers crossed. She said yes. शीशे में देख लो तू, इसको उठा उठा के अपने मुंह में डालिए मीठा। रुक रुक के खाओ जल्दी, क्या है? Now the wedding ritual of every family, the photographers embarrassing the bride and the groom. Meri hobby is 1 2 3 action. Yes. Take this wedding. This will only for it. Bahut zyada demand hai yahan pe. Marriage is brutally hard. And now the best part of the wedding, jiske liye main itna taiyar ho ke aayi hu taki mereko accept kiya jaye khana khane ke liye. Ajeeb janwar hai, kitna bhi khaye फूका ही रहता है। How was this experience? This was a very different wedding. हाँ, काफी इंटरेस्टिंग था, मुझे सब बहुत कुछ पता चला, लाइक कैसे रिचुअल्स होते हैं, क्या होता है, वो शीशे में देखते हैं पहली बार एक दूसरे को एंड ऑल, वो काफी इंटरेस्टिंग था। लड़के ने पहले प्रपोजल भेजा, फिर उन्होंने हाँ बोली, फिर वो नीचे आई एंड बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। ऑल्सो खाना बहुत अच्छा था, लाइक वैसे ही मतलब मुस्लिम वेडिंग से खाना इतना अच्छा होता है। मैंने मटन निहारी खाया, ओ माय गॉड बहुत अच्छा था। आई स्टिल हैवन्ट ईटन फूड। दैट इज वन थिंग दैट यू शुड ऑलवेज डू, दैट शुड बी योर नंबर वन प्रायोरिटी After dressing up. Interesting priorities, right? English में भी है, पढ़ते रहना चाहिए। तो अब हम
जा रहे हैं रिसेप्शन पे और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है विधि? साड़ी बांधने की कोशिश कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आया जब इतनी सारी साड़ी है तो उसकी प्लेट क्यों नहीं बन पा रही। प्लेट से तो स्पून तो बन ही सकती है यार। मामा चुप हो, निकलो यहाँ से आप। गाइस आई एम लुकिंग सुपर्ब डैशिंग। मेरे सामने आके खड़े हो गए। मैं विधि जो गंदा फ्रेम है वो छुपा रहा हूँ। पिक्चर परफेक्ट। मैंने कुछ साइंस लगाई है कि मैंने आधी प्लेट्स को दूसरी प्लेट से बांध दिया और उन प्लेट्स को पेटीकोट से बांध लिया। मारो मुझे मारो। हे सीरी प्ले देसी गर्ल। यार मत करो रिकॉर्ड। चैनलिंग माय इनर पू। हाउ डेयर यू। बीमार, बहुत बीमार। So guys, I'm ready and मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने पहली बार अपना साड़ी पहना है। शाबाश बेटा। Guys, पीछे का कहाँ है? It's backless. Channeling my inner food. आँखों की गुस्ताखियाँ। Guys, you're all dressed up. I got dressed up at the salon and clearly I didn't. और ये जगह भी इतनी ज्यादा अच्छी है, मैं तो एंटर करने से पहले स्टार्टर खाना शुरू कर दिया। अजीब जानवर है। शिवम मॉम गेव मी दिस ज्वेलरी। दिस इज 45 इयर्स ओल्ड गाइस। शी गॉट इट ऑन हर वेडिंग एंड आई एम वेयरिंग इट टुडे एट माय ब्रदर्स वेडिंग। क्योंकि सांस भी कभी बहू थी। ये साड़ी कहाँ से खरीदी? दिस वॉज फ्रॉम बॉम्बे सिलेक्शंस। बट कहाँ से लिया इज नॉट इम्पोर्टेंट, पहनने वाला है। यस, कोई भी साड़ी तो पहनने में तो अच्छी लग रही है ना। ज्यादा नहीं हो गया? देख रहे हैं यार, ओवर एक्टिंग तो नहीं हो गया? मेरे को करना ही नहीं, लोग देख रहे हैं। नोबडी केयर्स। आपको पता है ना हमारे कितने फैंस हैं। और दो जो जबरदस्ती वेडिंग में सब्सक्राइब करवाए। शी इज अ क्राउड। शी अपोस्ट्रोफी एस। बेबी तुम्हें कैसा लगता है टू डू दिस एवरी टाइम? पहली बार पूछा रहा हूँ। मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। और सब्सक्राइब भी करो। हाँ, और क्योंकि हमारे 90,000 भी होने वाले हैं, उसके लिए भी गिव अवे आने वाला है। क्या है गिव अवे? Behind the scenes where me and my brothers and sisters, we actually sat with the videographer and the videographer asked us about our childhood with my brother and we answered the questions. It was quite a lot of fun. So I hope you like it. You mostly have to share good memories, the fun part from the childhood. So you know, it's very hard for me as a sister who's just 1 year younger to him to have any fun good memories because I have hated him all my life for so many things. I don't know where to begin, but maybe I have some emotional memories of him when we came to India and he was my only family. When I used to miss mom and dad, I used to, you know, go to him and hug him and I used to cry and, you know, he used to be like, you know, don't worry, I'm there for you, I'm always there for you. So that is one emotional memory, but before that and after that it was only hatred. Moment of partner in crime. Most of my memories with Amir were like I told you, we used to hate each other. But what was the question? I was consumed by hatred. So we were at this place in Saudi Arabia, Fanatir, and he went right to the top of the pyramid and somehow he fell and broke his arm. And he was admitted to the hospital and he was getting such special treatment and I was so angry. Why did he fall? So basically all of our stories are about hate. But didn't you push him down? Do you remember that? He was at the top and you were right below him. Oh my god, yes! Oh my
god. She was the This isn't even the first story. This story is good. Do you remember in Almorne what happened? Where we had the TV on the shelf and Bajjo like wanted to get a doll down, which was like in one of the higher shelves. So she climbed up the shelf and the shelf fell down. The TV fell down. Bayan's sitting there watching TV and it fell on his toe. I think I was the biggest bully in the family. She was the biggest bully. They used to have singing competitions and they used to make me the judge. So I used to feel guilty. I used to be like, both of them are bad. I wish you a long and happy married life. And I hope that, you know, no matter what happens in the future, you both realize that you're both on the same side. Like, you take care of each other, you know, fight with each other, get back together. But, you know, at the end of the day, make sure you're each other's first priority. And I love both of you. Maybe Tabir a little more than Amir. No! Sorry! I'm